वेलकम टू एक्सीलेंट इंग्लिश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्रीज। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर अ सेंटेंस, सीता इज अ गुड गर्ल। स्टूडेंट्स, सीता एक अच्छी लड़की है। जब हम किसी चीज की कंपैरिजन दूसरे से नहीं करते और सिंपल में ऐसे ही कह देते हैं तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल सीता इज बेटर देन गीता, यानी सीता जो है गीता से भी अच्छी लड़की है, तो जब हम दो की कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे सीता है और ये गीता है, इसका दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री। और इसकी कंपैरिजन में क्या है? कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे बच्चों? इसमें हमेशा जो है देन आता है। क्या आता है? देन आता है। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान होती है कि उसमें सेंटेंस में देन जरूर होता है। अब हम लिखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम। इसका मतलब अब हम इस एग्जांपल को लेंगे, जैसे सोनम इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब बच्चों, जो ये बेस्ट है, ये कौन सी डिग्री है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। यानी सोनम जो है क्लास में सबसे अच्छी लड़की है, यानी सीता और गीता से भी अच्छी लड़की कौन है? सोनम है। तो हमने यहाँ पे सबसे अच्छी लड़की किसी को बताया? सोनम को। और बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है कि इसमें हमेशा दा आता है। बच्चों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।